मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। ऐसा अधकचरापन है, ये सब कॉन्वेंट में से हमारे बच्चे सीख सीख के निकल रहे हैं। और इन कॉन्वेंट स्कूलों में क्या क्या सब सिखा दिया, वो कहता था ना मैकॉले ये कहता था कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल हम चलाएंगे, इनमें शिक्षा मिले ना मिले, संस्कार अंग्रेजियत के हम जरूर देंगे। तो क्या होगा, तो कह रहा है वो कि भारतवासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे ना, तो वो शरीर से दिखने में भारतीय होंगे, आत्मा से अंग्रेज हो जाएंगे, फिर यही हमारी मदद करेंगे और भारत को गुलाम बनाए रखने में व्यवस्था करेंगे। तो संस्कार देना है उनको तो अपना, तो वो दे रहे हैं। अब वह जो कॉन्वेंट में वैलेंटाइन डे सिखा दिया, फिर उन्होंने पता नहीं मदर्स डे सिखा दिया, फादर्स डे सिखा दिया। मदर्स डे पता है क्या होता है यूरोप में एक और बहुत पुरानी परंपरा है, प्लेटो के समय से चली आ रही है, कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं है, बाहर छोड़ देने हैं, तो उन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं है। तो चर्च में जो होती है ना सिस्टर्स होती है, वो अपना दूध उनको उपलब्ध कराती है। अब आप में से कई लोगों को ये प्रश्न होगा कि बायोलॉजिकली ये संभव कैसे है, वो नर्स तो मां बनी नहीं तो उसको दूध कैसे आएगा। लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार 2-3 दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार स्तनपान करे तो 4th-5th दिन से दूध आना शुरू हो जाता है। तो उनके यहां नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के द्वारा होती है या नर्सिस के द्वारा होती है, मां नहीं करती है। लेकिन कभी कभी साल में कोई एक दिन मनाना हो तो वो मदर्स डे मनाते हैं, जिस दिन मां अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहां जाती है कॉन्वेंट, तो उनके यहां मदर्स डे होता है। ऐसे ही उनके यहां फादर्स डे होता है। फादर्स डे का चक्कर क्या है, यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं, जो गलती से किसी ने रख लिए तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है, डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो नहीं बैठ सकते। बाप अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा दोस्तों के साथ, जब वो चला जाएगा खाना खाके तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। लेकिन साल में कोई एक दिन वो फिक्स करते हैं जब बच्चे बाप के साथ बैठे डाइनिंग टेबल पर, उस दिन वो फादर्स डे मनाते हैं। अब उनके मदर्स डे, उनके फादर्स डे, उनके ब्रदर्स डे, उनके सिस्टर्स डे या उनका वैलेंटाइन डे, उसके पीछे कुछ कहानियां हैं। हम बिना सोचे समझे अंधों की तरह से इस पे लग गए हैं। कई बार मैं देखता हूं अजमेर जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में मदर्स डे पे रैली निकाली जा रही है, प्ले कार्ड लेके बच्चियां अपने अपने हाथ में जा रही हैं, स्कूल कॉलेज उनका छुड़वा दिया जाता है, और ये सब मूर्ख सरकारी अधिकारी किया करते हैं। फिर फादर्स डे पे निकालते हैं, फिर इस पे निकालते हैं, ये सब तमाशेबाजी। ये मैकॉले हमारे यहाँ छोड़ के गया और वो बार बार कहता था कि हमें संस्कार देना है, शिक्षा दे पाए ना दे पाए वो महत्व का नहीं, अंग्रेजियत का संस्कार देना। तो वो दे गया, अब वो हमारे खून में घुस गया और इतना घुस गया है कि कुछ समझ में नहीं आता ये निकले कैसे। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।